अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुफियान इकराम और आज हम एचएस कंप्यूटर साइंस पार्ट वन के एक नए लेक्चर में मौजूद हैं। तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से लास्ट लेक्चर को हमने स्टॉप किया था। हम प्रिंटर्स के बारे में पढ़े थे और प्रिंटर्स में हमने दो तरह के प्रिंटर्स देखे थे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने पढ़ा था डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये तीन पढ़े थे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने सिर्फ लेज़र प्रिंटर को देखा था। आज इंशाल्लाह फर्दर हम इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, उसकी वर्किंग के बारे में बात करेंगे। आज का लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात बताई थी कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर, प्रिंटर्स का टॉपिक चैप्टर नंबर वन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में इसका शुमार किया जाता है प्रिंटर्स का। तो क्वेश्चन कभी आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हवाले से, कभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हवाले से। तो इसलिए ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपनी कंसंट्रेशन को बना के रखिएगा, किसी भी जगह पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं आने वाली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। तो सर स्टार्ट करते हैं इंकजेट प्रिंटर से। इंकजेट प्रिंटर्स यानी इसके अंदर बहुत सारे ऐसे जेट्स लगे होते हैं जिनसे इंक ड्रॉपलेट को स्प्रे किया जाता है। जेट कहते हैं नोजल को, नोजल जिसके अंदर होल होता है यानी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसके अंदर से हमारे जो इंक हो सकती है या कोई भी लिक्विड जो है वो उस नोजल से स्पीड से क्रॉस करता है। अब इंक जेट प्रिंटर के अंदर जो जेट्स यानी नोजल लगी होती हैं वो इंक को स्प्रिंकल करती हैं, स्प्रे करती हैं पेपर के ऊपर जिससे इमेज क्रिएट होता है। तो देखें कहता है इंकजेट प्रिंटर स्प्रे स्मॉल इलेक्ट्रिकली चार्ज ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट यानी कतरे, किस चीज के कतरे, ऑफ इंक, यानी इंक के कतरों को जो कि इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं स्मॉल साइज में छोटे होते हैं, नोजल्स के थ्रू, नोजल के अंदर जो होल्स हैं उनके थ्रू एक मैट्रिक्स की शक्ल में यानी रोज एंड कॉलम्स की शक्ल में बड़ी स्पीड से पेपर पे स्प्रे किया जाता है जिससे एक इमेज क्रिएट होता है। और ये जो इमेज क्रिएट होता है इट इज़ चीपर, सस्ता है कंपेयर टू द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के ऊपर हमारे जो इंकजेट प्रिंटर का प्रिंट है वो सस्ता है बट लोअर इन रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन लेकिन इतनी खास अच्छी नहीं होती। कितनी होती है जी, 300 to 720 dpi। तो आपको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन को हम dpi यानी डॉट पर इंच के अंदर मेजर करते हैं। इसी तरह आगे चलें तो कहता है इज स्लोअर, यानी हमारे जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं वो स्लोअर होते हैं। कितने स्लोअर होते हैं, कहता है कि टेक्स्ट ओनली पेजेस सिर्फ 1 से लेकर 6 तक 1 मिनट में निकालते हैं, यानी 1 मिनट के अंदर सिर्फ 6 टेक्स्ट ओनली पेजेस निकालते हैं। तो अगर इमेजेस आ जाएं तो शायद इससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। इट हैज़ अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर, यानी इस तरह का एक और प्रिंटर होता है जिसको बबल जेट प्रिंटर कहते हैं। नॉर्मली टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, उनमें हीटिंग मिनिएचर एलिमेंट्स यानी छोटी छोटी हीट क्रिएट करने वाली चिप्स लगी होती हैं। उन चिप्स की मदद से हीट क्रिएट होती है, इंक को प्रेशर मिलता है, इंक फिर वो नोजल के थ्रू स्प्रे या स्प्रिंकल होती है पेपर के ऊपर, उससे एक इमेज क्रिएट होता है। अब एक लिंक है इसके मदद से हम जरा इसकी इंटरनल वर्किंग के बारे में अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो एप्सन की इंकजेट टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो है जिसके अंदर वो एक्सप्लेन करता है। Driven by piezoelectric elements. हमारे पास इस तरह का एक एलिमेंट होता है जिसके अंदर से चार्ज जो है वो क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है? Which contract when voltage is applied. ये जो एलिमेंट है इसके साथ एक वाइब्रेशन प्लेट लगाई जाती है। इस वाइब्रेशन प्लेट को जैसे ही करंट मिलता है तो ये वाइब्रेट करती है और हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये नोजल्स लगी हुई है, ठीक है, नोजल्स की ओपनिंग है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसको मिलता है ये एक प्रेशर क्रिएट करता है और हमारे इन ड्रॉपलेट्स, हमारे जो नोजल्स हैं इनके होल्स में से इंक जो है वो
स्प्रिंकल होना शुरू हो जाते हैं। right अब देखिए मल्टीपल होल्स हैं, बहुत सारे होल्स हैं, और आप देख सकते हैं कि तमाम जो ड्रॉप्स हैं वो रोज और कॉलम्स की सूरत में गिर रहे हैं। More than 40,000 times a second. As no heat is generated, this mechatronic technology can be used with a broad range. अब ये रोज और कॉलम्स के अंदर जोड़ के ये छोटे-छोटे ड्रॉप्स हमारे पास हमारी इमेज को क्रिएट करते हैं without standing durability. Epson utilizes this technology throughout its printer range. For home. ठीक है जी, ये इंटरनल वर्किंग है हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स के। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास थर्मल प्रिंटर्स। थर्मल प्रिंटर यूजेस कलर्ड वैक्स एंड हीट टू प्रोड्यूस इमेज। अब ये कलर्ड वैक्स कौन सी होती है? ये कलर्ड वैक्स होती है हमारे पेपर के ऊपर, स्पेशल किस्म के पेपर इसके लिए एक तो इस्तेमाल किए जाते हैं जिनके ऊपर वैक्स लगी होती है। अब वो वैक्स या इस पेपर के अंदर ऐसी खूबी क्रिएट की जाती है कि जहाँ जहाँ पे हीट इसको ज़्यादा मिलती है वहाँ वहाँ पे कलर चेंज होता जाता है, यानी हीट की इंटेंसिटी पे कलर चेंज होता है। ऐसे पेपर्स का इस्तेमाल करके हमारे थर्मल प्रिंटर्स के थ्रू प्रिंट निकाले जाते हैं। द कलर्ड वैक्स शीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट आउटपुट। यानी अब कहता है एक तो ये हाई क्वालिटी के प्रिंटआउट्स निकालते हैं, और इसके अलावा अगर आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट ही निकालना है तो आपको कलर्ड वैक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेपर के अंदर ये एबिलिटी मौजूद होती है ब्लैक एंड वाइट के लिए। हमारे पास यहाँ पे इस प्रिंट को निकालने के लिए टोनर का भी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। कैन इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट बट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव ऑब्वियसली होगा क्योंकि स्पेशल टाइप का पेपर इस्तेमाल हो रहा है इसके अंदर, तो पेपर की कॉस्ट ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो अगर इसका कंपेयर किया जाए दूसरे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से, क्वालिटी तो अच्छी देता है लेकिन है काफ़ी एक्सपेंसिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो पेपर इस्तेमाल हो रहा है स्पेशल टाइप का पेपर है, और अगर कलर प्रिंट निकालना है तो कलर वैक्सेस का इस्तेमाल साथ किया जाता है, जिसकी मदद से जो है वो हमारे जो थर्मल प्रिंटर्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हमारे पास जो टॉपिक है प्लॉटर। अब प्लॉटर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि प्लॉटर एक ऐसा टॉपिक है कि अगर तो लॉन्ग क्वेश्चन प्लॉटर का नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आ जाएगा, अगर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्लॉटर का अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से आता है? प्लॉटर का डिफाइन प्लॉटर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट बेड एंड ड्रम प्लॉटर, तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन आता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब प्लॉटर होता क्या है? कहता है अब प्लॉटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन मैनी कलर्स एंड यूज फॉर स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशन। अच्छा, अब प्लॉटर जो हैं वो बेतहाशा मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए प्लॉटर्स आ रहे हैं, उनकी बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन मौजूद हैं। अब चूँकि बुक में प्रिंटिंग के हवाले से बात हो रही है तो हमारे प्लॉटर लार्ज स्केल प्रिंटिंग करते हैं। लार्ज स्केल प्रिंटिंग से मुराद ये नहीं होती कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी इंक्लूड हो जाती हैं, लेकिन लार्ज स्केल प्रिंटिंग से मुराद ये होती है कि बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होना। ठीक है, बड़े पैमाने पर प्रिंटिंग होना, तो उन प्रिंटर्स के लिए हमारे पास प्लॉटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस, मैप्स, ग्राफिक्स, चार्ट्स, ये सब चीज़ें जो है प्लॉटर की मदद से बनाई जाती हैं। यानी एग्जांपल ले लूँ कि जैसे फ्लैक्स बनाई जाती है, डिफरेंट साइन बोर्ड्स के ऊपर जो फ्लैक्स लगी होती है, प्रिंट लगा होता है, वो नॉर्मली प्लॉटर की मदद से क्रिएट किया जा रहा होता है। अब दो तरह के प्लॉटर्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं फ्लैट बेड प्लॉटर, दूसरे ड्रम प्लॉटर। ये दो टाइप्स हैं प्लॉटर्स के। तो फ्लैट बेड प्लॉटर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक फ्लैट टेबल जैसी सरफेस होती है जिसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे शीट को या जिस भी चीज़ के ऊपर, पेपर को जिस पे प्रिंट निकालना है उसको फ्लैट बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है, और फिर इसके ऊपर ये जो आर्म मौजूद होते हैं ये मूव करते हैं जिससे इमेज क्रिएट होता है। ठीक है, इस
आर्म के अंदर भी डिफरेंट पेंस ये लगे होते हैं और वो पेंस जो हैं वो इमेज क्रिएट कर रहे होते हैं। कहता है इट हैज अ पेपर लाइंग फ्लैट ऑन टेबल लाइक सरफेस, तो ये वो टेबल लाइक सरफेस है। द बेड साइज वेरीज, यानी अब ये जो बेड लगा हुआ है, ये टेबल लगा हुआ है, इसका साइज वेरी करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारी ज़रूरत, ये बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, हम जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं। 1 to 4 पेन कलर पेन्स मूव अक्रॉस द पेपर, यानी हमारा पेपर इस तरीके से पड़ा होता है, हमारे जो पेन है वो इस तरीके से मूव कर रहे होते हैं, और ये जो हमारे पास ये इसका प्रिंटिंग हेड कह सकते हैं हम इसको, तो ये हमारे पास इस तरीके से मूव कर रहा होता है। एंड द इमेज आर प्रिंटेड बाय द कंप्यूटर अकॉर्डिंगली, और कंप्यूटर की मदद से इसके ऊपर इमेज क्रिएट की जाती है। इसी तरह हमारे पास आते हैं ड्रम प्लॉटर्स। ड्रम प्लॉटर के अंदर आप देख सकते हैं कि बेड कोई नहीं लगा हुआ, इसके अंदर नॉर्मली रोलर लगा होता है, ड्रम लगा होता है, जिसकी मदद से हमारा जो पेपर है वो रोल करके मूव किया जाता है। कहता है वर्क लाइक फ्लैट बेड प्लॉटर की तरह ही काम करता है। विद अ डिफरेंस इज दैट पेपर इज माउंटेड ओवर ड्रम, माउंट का मतलब होता है लगा होना, तो यहाँ पे पेपर जो है वो ड्रम के ऊपर लगा होता है, वहां पे फ्लैट बेड पे फ्लैट सरफेस पे लिटा लिया जाता है, यहाँ पे ड्रम पे लगा लिया जाता है। एनेबलिंग अ कंटिन्यूस आउटपुट, और कंटिन्यूस आउटपुट को जनरेट किया जाता है कैसे, ड्रम रोटेट करता जाता है, पेपर आगे मूव करता जाता है, इसकी मदद से हमारे पास एक कंटिन्यूस इमेज बन जाता है, यानी हम जितनी मर्जी लंबी प्रिंट को निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अ टिपिकल यूज इज टू ट्रैक एन अर्थक्वेक रीडिंग्स, अर्थक्वेक रीडिंग्स का भी का ट्रैक रखने के, क्योंकि अब इसके अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि इसके अंदर ड्रम है और ड्रम की मदद से पीछे से पेपर ऐड करी जाए, आगे मूव करता जाता है, तो बहुत ज़्यादा रीडिंग्स चूँकि अर्थक्वेक की लेनी होती हैं, तो वहाँ पे फिर हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्लॉटर का टॉपिक भी शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कभी ड्रम प्लॉटर, कभी फ्लैट बेड प्लॉटर के हवाले से क्वेश्चन आ जाता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अपना और अपने इर्द-गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा, और मेरा यूनिस सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफिज़।